ये नादरंगंज का सीपेट चौराहा है, अमौसी क्षेत्र पड़ता है ये। यहाँ पे दवा दूध आदि दुकानों के अलावा आप देख सकते हैं इस चौराहे पे फल सब्जी आदि की दुकानें, जो कि यहाँ पे इस तरह की पहले मार्केट नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं जिस कारण से उन्होंने दूसरे व्यवसाय को अपना लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही है और बहुत सारी सब्जी फल आदि की दुकानें लगने लगी हैं, जिसके कारण से लोग अभी जो लॉकडाउन में तीसरे पार्ट में छूट दी गई है ज़रूरी सेवाओं को मद्देनज़र लगते हुए, जिससे लोगों को असावधानी ना हो, इस कारण से लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और वह जो है फल सब्ज़ी और अपनी ज़रूरत की चीज़ों की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन दुकानों पे बहुत सारे लोग मास्क नहीं भी लगाए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं मेंटेन कर रहे, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सरकार इन लोगों को निरंतर बचाने का प्रयास कर रही है। अतः इन लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रख कर के ही काम करना चाहिए ताकि सावधानी ही बचाव है। आप देख सकते हैं शराब कंसियर सर्विसेज और उसके अलावा भी जो ज़रूरत की चीज़ें जिनका आदेश दिया गया है उसकी दुकानें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं और लोगों का आवागमन बहुत तेज़ हो गया है। लोग तो अपने घरों से निकल रहे हैं और जो भी उनकी ज़रूरत की दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको खरीद रहे हैं। फल सब्ज़ी आदि की दुकानें भी अब अधिक संख्या में लगने लगी हैं। ये रुस्तम कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ पे दैनिक ज़रूरत की चीज़ों की दुकानें खुली हुई हैं। धीरे धीरे बाज़ार में रौनकियाँ बढ़ रही हैं और लोग मोबाइल रिचार्ज जो ज़रूरत सेवाएं हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की दुकानें हैं जो कि धीरे धीरे खोल रहे हैं और अपने घरों से लोग निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कानपुर रोड पे स्थित अमौसी एरिया का 3 नंबर बाग बाज़ार है, जहाँ की बहुत ही संख्या में दुकानें लगती थी जिसमें फल सब्ज़ी के अलावा राशन की सारी मसाले आदि कपड़ों की भी बहुत सारी दुकानें लगती थी, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी। जबकि आप आज देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ भाड़ है और गिनी चुनी दुकानें लगी हैं और जो दुकानें भी लगी हैं वह स्वचालित हैं, अर्थात वह ठेलों पर दुकानों को सब्जियों को फल आदि रख कर के लाए हैं और वह शायद कुछ शासन की शक्ति के कारण भी वह इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी हो तो वह जल्दी से सामानों को अपने अपने घरों को ले जा सकें। और वहाँ पे कोई भी राशन आदि की कोई दुकान नहीं लग रही है क्योंकि लॉकडाउन में अभी भी जो छूट दी गई है वह बहुत ही कम है और शायद लोग भी कोरोना के भय के कारण अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, इस कारण से भी क्या दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही हैं। आप बीती जगबीती से संवाददाता विजय शर्मा की रिपोर्ट।